हे गाइस, वेलकम बैक आवर चैनल। आज की वीडियो में मैं लाई हूँ एक फेस पैक। बहुत ही अच्छा है अगर आपकी स्किन का कलर डल हो रहा है या फिर आपकी स्किन पे दाग धब्बे हैं किसी भी प्रकार के पिंपल्स के, और अगर आपको डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है तो ये फेस मास्क बहुत ही अच्छा है आपके लिए। आप ट्राई ज़रूर करिएगा। फेस मास्क बनाने के लिए आपको चाहिए होगा आलू का रस। आलू हमारे स्किन के लिए आलू का रस बहुत ही अच्छा है। ये नेचुरल ब्लीचिंग का काम करता है आपके स्किन पे। इसे अच्छे से ग्रेट करके हमें इसका रस निकाल लेना है। ये फेस पैक आप सर्दियों में भी यूज़ कर सकते हैं। ये फेस पैक आपकी स्किन को नेचुरल मॉइस्चराइजर का काम करने वाला है अगर आपकी स्किन ड्राई हो जाती है तो। यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच के करीब आलू का रस निकाल लिया है। उसके बाद आपको इसमें ऐड करना है बेसन। 1 छोटे चम्मच ऐड करिएगा बेसन। उसके बाद आपको ऐड करना है ओट्स। ओट्स भी हमारी स्किन को बहुत ही ज़्यादा नरिश करता है और आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट ग्लोइंग दिखती है। यहाँ पे मैंने ऐड किया है हल्दी। हल्दी भी हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छी है। ये नेचुरली आपकी स्किन का कलर ब्राइट करने में हेल्प करता है। यहाँ पे मैंने ऐड किया है 1 छोटे चम्मच नींबू का रस, और आपको ऐड करना है कच्चा दूध का। कच्चा दूध अगर आप इस फेस पैक को सर्दियों में यूज़ करोगे तो कच्चा दूध आपको स्किन को नेचुरल मॉइस्चराइज करता है और ड्राई होने से बचाता है। इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है और हमारा फेस मास्क तैयार हो जाएगा। इस फेस मास्क को आप 15 से 20 मिनट तक लगा के रखिएगा और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। इसी हफ्ते में 2 से 3 बार ज़रूर ट्राई करिएगा अच्छा रिजल्ट के लिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।